हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने ऐसे एक प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर में मूव ओएस 2.0 अपडेट लाया है, जिसके साथ बेहतर रेंज के साथ बहुत कुछ अपडेट मिला है। ड्राइव स्पार्क में हमने ऐसे एक प्रो में मिलने वाले इन्हीं अपडेट को टेस्ट किया है और यह इलेक्ट्रिक स्कूटर को कितनी बेहतर करती है इसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा हमारा अनुभव। इलेक्ट्रिक स्कूटर अब के जमाने में स्मार्ट भी हो चुके हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मोबाइल की तरह इसमें भी अपडेट दिया जा रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ओएस 2.0 अपडेट दिया गया है, जिस वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ढेर सारे नए फीचर्स तो जुड़ते ही है, इसकी रेंज भी बेहतर होती है। कंपनी इसके माध्यम से एक बेहतर राइडिंग अनुभव प्रदान करना चाहती है। आइए जानते हैं कुछ बड़े अपडेट के बारे में। इको मोड मूव ओएस 2.0 अपडेट के बाद ना ही बैटरी ड्रॉप की समस्या को खत्म करेगा, ये रेंज की कमी को भी दूर करने काम करेगा। कंपनी के अनुसार नई इको मोड आने के बाद यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 170 किलोमीटर का रेंज प्रदान कर रहा है, लेकिन अभी तक करीब 100 से अधिक ग्राहक ने 200 किलोमीटर का रेंज प्राप्त कर लिया है, जो कि पहली बार इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आसानी से 150-170 किलोमीटर का रेंज प्राप्त कर लेगा और सबसे खास बात, इसमें टॉप स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। ओला का कहना है कि अधिक रेंज प्राप्त करने के लिए स्पीड 45 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। क्रूज कंट्रोल बड़ी बड़ी कारों में दिया जाने वाला ये फीचर अब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिया गया है, जो कि अपने सेगमेंट में ही बड़ी बात है। नए अपडेट के बाद राइडर्स चाहे तो इको मोड को छोड़कर ग्राहक कभी भी इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे 20 किलोमीटर घंटा से लेकर 80 किलोमीटर घंटा के बीच किसी भी स्पीड में सेट किया जा सकता है, जो कि खाली सड़क में एक आरामदेह राइडिंग अनुभव प्रदान करता है। ऐसे फीचर्स खास तौर पर हाईवे में चलने के दौरान बहुत ही जरूरी हो जाते हैं और अब यह इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिए जाने से और भी बेहतर हो गया है। लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिए जाने की वजह से इसके राइडर्स को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह फीचर सिर्फ खाली रास्तों पर ही एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो एक गलती भी भारी पड़ सकती है। डिजिटल लॉक अनलॉक, जैसे कि हमने बताया, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर स्मार्ट भी हो चुके हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ओला कंपेनियन ऐप भी लेकर आई है। यह ऐप कई सारे काम कर देता है। इसकी मदद से ऐसे एक प्रो को लॉक व अनलॉक किया जा सकता है, बूट को खोला जा सकता है। इतना ही नहीं, इस ऐप से ढेर सारी जानकारी जैसे चार्ज की जानकारी, हर मोड में रेंज, ओडोमीटर में रीडिंग व कई रियल टाइम फीचर्स के साथ सॉफ्टवेयर के वर्जन की भी जानकारी देती है। आजकल दोपहिया वाहनों के मैकेनिकल लॉक को तोड़कर चोरी आकर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ओला इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल तरह से लॉक करने व अनलॉक करने की सुविधा लेकर आई है, जैसा कि आमतौर पर कारों में देखने को मिलती है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर किस लोकेशन पर है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। नेविगेशन आमतौर पर दोपहिया में मैप डालकर चलाने में बड़ी समस्या आती है और लगातार सड़क व मोबाइल के मैप पर ध्यान बढ़ता रहता है, लेकिन अब ऐसे एक प्रो के नए नेविगेशन अपडेट से ऐसा नहीं होगा। अब आपको कहाँ जाना है वह सीधे स्कूटर में डाल सकते हैं और स्कूटर के नेविगेशन में लगातार इसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आप सड़क पर ध्यान बनाए रख सकते हैं। कई बार मोबाइल में नेविगेशन लगाकर उसमें थोड़े से भी बदलाव करने के लिए आपको बार बार रुकना पड़ता है, लेकिन अब इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप सीधे स्कूटर के स्क्रीन को टच करके नेविगेशन में बदलाव कर सकते हैं। इस स्क्रीन को चलाना बहुत आसान है और बहुत तेजी से यह प्रतिक्रिया देता है, ऐसे में आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा। इसका स्क्रीन बहुत बड़ा है और इसे देखने और आंकड़ों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। सबसे बड़ी नेटवर्क कवरेज की आती है और जहां नेटवर्क कम होती है वहां थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके साथ ही हमें लगा कि इसका GPS कई बार थोड़ा धीरे हो जाता है। म्यूजिक, जब भी हम दोपहिया चलाया करते थे तो कई बार खाली सड़क में म्यूजिक चलाने का मन करता था, लेकिन मोबाइल के स्पीकर में उतनी ताकत होती नहीं थी कि गाड़ी चलते हुए आवाज दे सके। ऐसे में खासकर मेरे जैसे म्यूजिक लवर को बहुत ही निराशा होती थी। लेकिन अब ओला ने इस समस्या का भी समाधान कर दिया है और स्कूटर में ही म्यूजिक का अपडेट दे दिया है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब चलते चलते भी म्यूजिक सुना जा सकता है, यह अपने तरह की इंडस्ट्री में पहली फीचर है। राइडर्स अपने फोन को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और जियो सावन, स्पॉटिफाई जैसे ऐप की मदद से गाना सुन सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्पीकर भी अच्छा है और गाना सुनने के लिहाज से अच्छा ही है। खास बात है कि इसका ब्लूटूथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है और हर बार आपको फिर से कनेक्ट करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती, यह अपने आप कनेक्ट हो जाती है। इसके लिए जो स्विच या आवाज को कंट्रोल करने तथा प्ले पॉज बटन का काम करता है। वर्तमान में इसमें कॉलिंग का फीचर नहीं दिया गया है। ड्राइव स्पार्क के विचार, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सहित पूरे दोपहिया सेगमेंट के लिए एक शानदार और क्रांतिकारी कदम है और इसके लिए ओला इलेक्ट्रिक की खूब तारीफ की जानी चाहिए।
कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में वह सब फीचर्स दिए हैं जो कि आमतौर पर कुछ एंट्री लेवल कारों तक में नहीं मिलते हैं। नए अपडेट के बाद पहले से अधिक स्मार्ट, बेहतर और अधिक रेंज वाला हो गया है। कंपनी ने करीब 50,000 ग्राहकों के लिए इस अपडेट को रिलीज कर दिया है। ऐसे में अब ग्राहक इसका लाभ तो उठाएंगे ही, लेकिन क्या इससे कुछ समस्या भी आएगी, ये देखना होगा। दोपहिया में इस तरह फीचर्स मिलने की वजह से क्या समस्या हो सकती है, इसकी जानकारी